मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। गाइज, सुबह के बज रहे 5 बजे जाएंगे स्कूल, तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ चाय। ये बन गई है मेरी चाय। और इसमें उबालूंगा बच्चों के लिए पराठे के लिए आलू, बच्चों के स्कूल के लंच के लिए आलू के पराठे दूंगी मैं, तो उसी में ही आलू उबालूंगी। मेरी चाय बन गई है, अब मैं आलू उबलने रख देती हूँ। गाय बच्चों के लंच के लिए मैं उबाल रही हूँ आलू, और ये आलू मैंने उबलने रख दिए हैं। मैं उनको लंच में दूंगी आलू के पराठे, और अभी बच्चे सो रहे हैं, अभी उनको उठा देती हूँ। इतने वो रेडी होंगे, मैं उनका लंच तैयार कर दूंगी। गाइस, यहाँ पर मैंने आलू उबलने रख दिए। जब तक आलू उबलते हैं, मैं पराठे बनाने के लिए आटा लगा देती हूँ, आटा मान के रख देती हूँ। और ये आटा मेरा मंड गया है, और अब आलू मेरे बस उबल ही गए हैं। अब मैं इन्हें छील दूंगी, सीटी निकल गई इनकी, छील दूंगी अब मैं। और इनमें मसाला लगा के पिट्ठी तैयार कर लूँगी अब मैं। इसमें मैंने लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, धनिया और मसाले, मैंने नमक, धनिया, लाल मिर्च मैं थोड़ी सी डालती हूँ, ज़्यादा नहीं डालती, ज़्यादा मसाले नहीं डालते, बस यही डाले। और मैंने पेस्ट पिट्ठी तैयार कर लिया, और अब मैं बच्चों का लंच रेडी कर रही हूँ। कितने पराठे देने तेरे? एक या दो? दो? एक एक। दो तो चाहिए, दो खाने पाऊंगी। जितने खा पाएगी उतने लेके जा। एक ही खा पाऊंगी, इतने लेके जा ना। निशान कल बाल दियो। शाम की कॉफी बॉटल ले। ये जो कपड़े पहने स्कूल वाले, इनमें नहीं होती होगा? नहीं, घर के कपड़े पहनने पड़ते हैं अलग से लाके। चलो जाओ, दौड़ो, बाय। गाइस, डस्टिंग मैंने कर दी है, और झाड़ू भी लगा दिए मैंने। उसकी वीडियो मैंने बनाई नहीं है, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है ना फिर ऐसे कर करके, तो इसलिए बस ये थोड़ी सी पोछे की वीडियो बनाई है मैंने। डस्टिंग करके, झाड़ू लगा के पोछा लगा रही हूँ मैं। गाइस, काम हो गया सारा ख़त्म, और अब मैं कर लेती हूँ पूजा। गाइस, पूजा हो गई है, खाने में देखती हूँ क्या है। चलते हैं किचन में, मैं बनाऊंगी अपने लिए चाय। पराठे मैंने बच्चों के साथ ही बना लिए थे। गाइस, चाय मैंने बना लिए अपने लिए। ये मैंने लिए 2 आलू के पराठे, और मैं खाऊंगी अचार के साथ। तो गाइस, आप सब भी कर लीजिए नाश्ता। सब्जी, मिर्च का अचार, गुड़, रोटी। गुड़ दे दिया, छाछ ला रही हूँ। घी डाल दे।
नमस्ते मम्मा जी। नमस्ते। चेंज कर ले। ओके। चेंज करके खाना खा ले। नमस्ते। ले लिया कोट? इससे एक नंबर बड़ा नहीं था? सही है वैसे तो, लेकिन एक नंबर बड़ा लेते इससे। आपको चेंज कराना है? हाँ। तो फिर आगे लेना, तो फिर कल जाके एक नंबर बड़ा लेना। कल एक नंबर बड़ा ले लियो, कर ले चेंज कर ले, अब चेंज करके खाना खा ले। और ये देख, ये टैब देखते देखते खाना खा रहा है। चेतन क्या हो रहा है? ये टैब देखते हुए आते ही टैब हो गए, एमएस शुरू हो गया ना तेरा देखना, है ना? गाइस आज बनाएंगे साग, तो अभी हम जा रहे हैं साग लेने। हाँ। वहीं से कटवा के लाएंगे साथ के साथ, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि आके खुद काटे, और मुझे तो काटना भी नहीं आता, मम्मी काट के देती, मम्मी है नहीं, यहाँ गई हुई है। गाइस ये सामान लिया है हम, ये साग लाए हैं कटवा के, ये मैं प्याज लाई हूँ, ये मक्के का आटा है, और ये एप्पल, और ये अमरूद। अमरूद मोटे मोटे मैं दो ही लाई हूँ। मैं पहले जल्दी से साग रख देती हूँ, वरना उसे बनने में टाइम लगता है ना, इसलिए। मोमोज नहीं खा रही? खाऊंगा। और ये यशिका मोमोज लाई है। हाँ। पनीर है, बहुत टेस्टी है। गाइस मैं साग बनाऊंगी कुकर में, और ये मैंने अच्छे से साग को वॉश कर लिया, धो लिया है, साफ कर लिया अच्छे से, और इसमें नमक डाला है मैंने, देखिए ये नमक डाला, हरी मिर्च डाल दी और पानी डाला। अब मैं इसका ढक्कन लगा गैस पे रख दूंगी, और इसमें मैं 6-7 सीटी लगाऊंगी। गाइस में 6-7 सीटी आ गई है, और अब इसे हम देख लेते हैं। देखिए हाँ ये गल चुका है, बस अब मैं इसे घोट देती हूँ, घोट का आलन दे देती हूँ। लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट है जो मैं इसमें डालूंगी, अभी पहले इसे मैं घोट देती हूँ। गाइस ये हम घोट देंगे इसे ऐसे करके पूरे साग को। हमारा अच्छे से घुट गया साग, और ये मैंने गर्म पानी में थोड़ा सा आटा मिक्स करा है, ये अब हम इसमें डाल देंगे। आलम दे दिया हमने साग में, और इसे निकाल देंगे हमारे, और अब इसको खदका देंगे। हमने इसमें आलम लगा दिया, वो डाल के गर्म पानी में आटा मिक्स करके, और अब ये हम खदका लेंगे, और जब ये खदक जाएगा तो डालेंगे लहसुन प्याज और पेस्ट। तो अब इसे थोड़ी देर रख देते हैं खदकने साग के साथ। देखिए खदक गई, देखिए हटिए रख देते हैं। खदक गई, मैं इसमें डाल देती हूँ लहसुन अदरक और हरी मिर्च का। मैं बना दूँ रोटी तेरी और ऋषिका की, मेरे और तेरे पापा की बनेगी मक्के की। देखिए गाइस साग हमारा रेडी हो चुका है बनके। देखिए और रोटी हमारे गेहूं के आटे की बन गई है, मैं बनाऊंगी मक्के की, मक्के के आटे की रोटी।
गाइस ये मैंने मक्के का आटा लिया है, थोड़ा इसमें गेहूं का आटा मिलाया और थोड़ा सा नमक डाल दूंगी मैं। और इसे हम गरम गरम पानी से ही हमेशा मांडते हैं, इसे ठंडे से नहीं। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गाइज इस आटे को ऐसे करके मारना पड़ता है, गेहूं के आटे की तरह एक बार गूंथ के नहीं रखा जाता। गरम गरम पानी डाल के एक एक दो दो रोटी जैसे बनाते रहते हैं वैसे ऐसे गूंथा जाता है इसे, वैसे करके साथ के साथ ही। और ये मैं इसमें देसी घी का चिकना हाथ हो जाता है ना, वो देसी घी हाथों में देसी घी लगा के तब ये रोटी बना रही थी, जिससे थोड़ी आसानी से रोटी बन रही थी। पानी से चिपके चिपके हो जाते हैं पानी लगाते, तो इसलिए मैंने ना थोड़ा देसी घी का देसी घी हाथ में लेके दोनों हाथों में लगा के तब ये रोटी बनाई है, तो फिर आसानी से बन गई। देखिए कैसी बनी है हमारी मक्के की रोटी, बनी है ना अच्छी। बन गई हमारी मक्के की रोटी। ले गुड़ रखना है इसमें, ले कैसा बना साग? मक्के की रोटी सही बनी है शिकक पापा? मैंने की खा तो आटे की पसंद है ना। हाँ। मैं भी आ रही हूँ। ओके आज ये शांत सो गया और ये सिगा भी सोने जा रही है। और इस ब्लॉग का मैं करती हूँ यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, शेयर करें। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर गाइस, लव यू।